हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति राजघाट के निदेशक दीपांकर श्री ज्ञान ने कहा कि 10 अप्रैल सन 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर पलवल के रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राजनीतिक रूप से गांधी जी की ये पहली गिरफ्तारी थी। उन्होंने कहा कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का मूल उद्देश्य सामाजिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन ध्येय एवं विचारों का प्रचार प्रसार करना है। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति राजघाट व गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट मिलकर पलवल जिले में गांधी जी की विचारधारा को लेकर शैक्षणिक व सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करेंगे। गांधी सेवा आश्रम व पलवल रेलवे स्टेशन जो कि ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके सौंदर्यकरण के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। गांधी जी ने कहा था कि किसी की निंदा मत करो, बुराइयों से दूर रहो और अच्छाई के लिए कार्य करते रहो। गांधी जी की गिरफ्तारी यहाँ हुई थी जब वो रॉलेट एक्ट का विरोध करने अमृतसर जा रहे थे। ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि जालियांवाला बाग के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं और गांधी जी की गिरफ्तारी के भी 100 साल पूरे हैं। इसका महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि इस संस्थान की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वयं आकर की थी। तो ऐसे स्थिति में गांधी उद्देश्यों पर काम करने वाले हम सभी समान विचारधाराओं वाले ऑर्गेनाइजेशन का यह कर्तव्य होता है कि इस दिवस को हम बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बताएं कि यह दिवस और पलवल क्यों मशहूर है इतिहास के पन्ने। अभी यहाँ के स्कूलों के साथ काम करेंगे गांधी विचारधारा को लेकर, कॉलेजों में काम करेंगे, लेकिन हमारी माध्यम जो भी होगी वो गांधी सेवा आश्रम ही होगी। तो सरकार की तरफ से कोई मदद दी जाएगी? नेचुरली हम सरकारी संस्था हैं तो सरकार की तरफ से मदद आएगी, लेकिन वो मदद कोलैबोरेशन के फॉर्म में होती है। हम ग्रांट नहीं देते, हम मिलकर काम करते। तो गांधी सेवा संस्थान जो ये है इसके साथ हम मिलकर यहाँ के इलाके में काम करेंगे। अभी यहाँ देख लें और भी क्या चीज़ें की आवश्यकता हो सकती है या क्या किया जा सकता है, उसकी संभावनाएं जो दिखेंगी उस पर हम जरूर काम करेंगे।